नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जैसे जैसे चुनाव बिहार में नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं, जो दिग्गज हैं, वो चुनावी मोड में आ गए हैं। तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता और लालू के छोटे लाल तो कोरोना काल से लेकर ही नीतीश कुमार पर रोज ही अपने ट्विटर हैंडल पर हमला करते हैं और नीतीश को बार बार सलाह देते हैं कि कम से कम घर से तो निकलिए, काल कोठरी से तो निकलिए। कल जब शाम को ये खबर आई कि बिहार के स्वास्थ्य सचिव को बदल दिया गया फिर से, तो तेजस्वी यादव ने अपने शायराना अंदाज में, आजकल शायर भी बन चुके हैं, अपने शायराना अंदाज में उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने अपने ट्विटर में लिखा कि धूल चेहरे पर हैं और वो आईना बदल रहे हैं। मतलब कि गलती नीतीश जी आप में है, सुशासन बाबू आप में है, और आप अपना इन गलतियों का ठीकरा जो है वो आईएएस अधिकारियों पर फोड़ रहे हैं। उन्होंने अपने ट्विटर में लिखा कि धूल चेहरे पर हैं और वो आईना बदल रहे हैं। बिहार ऐसा इकलौता प्रदेश है जहां कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग को तीसरा प्रधान सचिव मिला। आपको याद होगा तेजस्वी का इशारा संजय कुमार थे, उसके बाद कुमावत लाए गए और कुमावत के बाद फिर प्रत्यय अमृत को नया स्वास्थ्य सचिव बनाया गया, क्योंकि वो नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं और विश्वास पात्र हैं। और प्रत्यय अमृत के पास, हम आपको बता दें जो जानकारी हमारे पास है, प्रत्यय अमृत के पास अभी ये तीसरा विभाग हो गया जिसके वो सचिव होंगे। वो आपदा भी देख रहे हैं, स्वास्थ्य भी देख रहे हैं और ऊर्जा भी देखेंगे। अब आपदा और ऊर्जा तो देख ही रहे थे, अब स्वास्थ्य विभाग भी वो देखेंगे। तो हम आपको पहले तेजस्वी के पूरे ट्विटर का ये सुना दें आपको कि जहां कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग को तीसरा प्रधान सचिव मिला है, अब आपदा, स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग एक ही अधिकारी देखेंगे, बाकी सब शायद नाकाबिल हैं क्योंकि कारण सब जानते हैं। नीतीश जी अब तो काल कोठरी से बाहर निकलिए। बहुत बड़ा हमला कि नीतीश जी अब तो काल कोठरी से बाहर निकलिए। बिहार की जनता समझ रही है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, किससे विवश होकर कर रहे हैं। इन सारी बातों को तेजस्वी ने अपने ट्विटर माध्यम से लिखकर और नीतीश कुमार पर हमला बोला। अब जदयू से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है आपको वो भी दिखाएंगे। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।